बेंगलुरु में विधान सौदा घेराव के नाम पर एक मार्च कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स ने निकाला था। उनका डिमांड था कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए, इसलिए CFI के तमाम लीडर्स और स्टूडेंट्स ने सेक्युलर पार्टियों के तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाकर इल्तजा की कि उसकी मुखालिफत करें, और कैंपस फ्रंट के लोगों ने भी विधान सौदा घेराव के नाम पर बेंगलोर में पुरअमन तौर से एहतजाज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई है। बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुआ है। SDPI इस पुलिस लाठियों की और वो जो बच्चों को मासूम बच्चों को अरेस्ट किया गया है उसकी सख्त मुजम्मत करती है, और SDPI डिमांड करती है कि फौरन उन मासूम बच्चों को स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए, और उन पर जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त उसका सजा दी जाए और उनको उसके ताल्लुक से अकाउंटेबल किया जाए। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम स्टूडेंट्स के साथ SDPI खड़ी है। आपके साथ जो भी जुल्म हुआ है वो नाहक है। आप NEP के खिलाफ यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए से लैंग्वेज को और फिर स्टूडेंट्स राइट्स को, हिस्ट्री को और फिर फेडरल सिस्टम को चेंज करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो तमाम चीज़ों के खिलाफ उसमें एहतजाज दर्ज है। तो CFI का ये एहतजाज ज़रूरी था और उस पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो हकीकत से दूर हैं, वो जुल्म है। असल में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया दस्तूरी हक को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्तेमाल करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उन पर लाठियां बरसाना और उनको अरेस्ट करना, उनको डराना, उनको धमकाना, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। SDPI उसकी मुजम्मत करती है।